अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एम आर न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूँ कंदा तनवीर। गवर्नमेंट मुस्लिम सेकेंडरी स्कूल चौकाज़न के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं एम आर न्यूज़ के नुमाइंदा राना शहरोज़ साजिद जी। शहरोज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? हल्का पीपी 282 में इंतखाबी अमल जो है वो शुरू हो चुका है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ। इस वक्त मौसम भी खुशगवार है, लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त एक चौक आज़म में मौजूद एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूं। और अगर हल्का के अंदर वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो 2,02,449 लोग जो हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,10,849 बताई जा रही है और ख़वातीन वोटर्स की तादाद जो है 91,400 है। जबकि हल्का के अंदर 130 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और 339 जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा हल्का में हल्का पीपी 282 के अंदर 13 पोलिंग स्टेशन इंतहाई असास करार दिए गए हैं। और अगर कैंडिडेट्स के हवाले से बात की जाए तो लाला तहर रंधावा और कैसर मगसी और मलक रियाज जो है उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो 1600 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन तैनात किए गए हैं, जिसमें रेंजर्स और पाक फ़ौज के दस्ते भी मौजूद हैं। इसके अलावा एलीट फोर्स की जो गाड़ियां हैं वो भी गश्त पर मामूर की गई हैं। और इसके अलावा हंगामी सूरत हाल के लिए रेस्क्यू 1122 के जो स्टेशन हैं वो भी कायम किए गए हैं और एम्बुलेंसेज जो हैं वो भी मुख्तस की गई हैं। अगर हल्का अगर और उसके अलावा जो पोलिंग का अमल है वो 5 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। जी राना शहरोज़ साजिद, तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया।